subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही अम्मी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है तवा बर्गर की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको इसका प्रोसेस पता चल सके कि कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक पैन में आधा टेबल स्पून करीब बटर ले लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है। मेल्ट होने के बाद 1 टीस्पून जीरा डाल रहा हूँ इसमें मैं, और 2 से 3 चॉप किए हुए मैं लहसुन के पीसेस डाल रहा हूँ। 1 टेबल स्पून में ग्रीन चिली डाल रहा हूँ इसमें, और फ्रेंड्स को थोड़ा सा हम भून लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग भून गया है। अब मैं इसमें 1 चॉप किया हुआ ओनियन डाल रहा हूँ, ये फाइन चॉप किया हुआ ओनियन है, और इसको भी फ्रेंड्स हम तब तक भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर में ना हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, प्याज जल्दी भूनेगा इसलिए हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं। इसमें देखिए 1/2 चॉप मैंने किया है, इसमें शिमला मिर्च डाला है, और 1/2 चॉप की मैंने इसमें गाजर डाल दी है। और इन दोनों को डाल के फ्रेंड्स मैं अच्छे से कुक करूंगा, ताकि दोनों ही सॉफ्ट हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्ट जल्दी करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट डालने से क्या होता है ना कि सब्ज़ी जो है वेजिटेबल्स वो बहुत जल्दी गल जाती हैं और कुक हो जाती हैं बहुत जल्दी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चॉप के ऊपर टोमेटोज। उसमें देखिए मैंने यहाँ पे 1 बॉइल्ड आलू ले लिया है, उसको कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेज में, उसको डाल दिया है। और थोड़े से मैंने यहाँ पे उबली हुई हरी मटर ले ली है, उसको भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मिक्स करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, पोटैटो मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से खूब मैश कर लूँगा, जैसे कि हम पाव भाजी के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैश हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून डाल रहा हूँ रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर, और देखिए 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रहा हूँ, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सिजवान सॉस लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है। और उसको देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको लो फ्लेम पे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए ये कुक हो गया है, अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ थोड़े से 10 से 12 चॉप किए हुए मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया है, और 1/2 कप मैंने यहाँ पे घिसा हुआ अपनी चीज़ ले ली है, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि हर चीज़ हमारी चीज़ भी देखिए मेल्ट हो गई है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें यहाँ पे डाल रहा हूँ थोड़ी सी चॉप की हुई हरी धनिया, और इसको भी फ्रेंड्स मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम अपनी लीड से ढक के इसको 3 से 4 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि सब कुछ अच्छे से कुक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट करीब हो गए थे, अब मैं इसको ओपन कर दिया हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, और ये देखिए एकदम रेडी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे बर्गर ले लिया है, बन जो है बर्गर का, उसको बीच से कट करके इसमें देखिए 1 साइड में मैंने यहाँ पे इसकी वेजिटेबल जो रेडी की थी लगा के इसको देखिए कवर कर दिया है। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, और देखिए ये बर्गर बन एकदम रेडी है। अब इसको और मज़ेदार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई करके मेल्ट कर लिया। 1 पिंच मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला, और 1 पिंच यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से लो फ्लेम पे मिक्स करेंगे, ताकि तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए यहाँ पे बर्गर को मैं अच्छे से साइड से पहले कोट कर रहा हूँ इसमें, और ऊपर नीचे भी फ्रेंड्स को पलट पलट के सारा कोट करके इसको हम सेक लेंगे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए पलट पलट के मैं इसको सेक लूँगा, ताकि ये थोड़ा कुरकुरा भी हो जाए, थोड़ा रोस्ट भी हो जाए, और ये बहुत ही यम्मी बर्गर बन फ्रेंड्स देखिए तवा बर्गर रेडी है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपना दूसरा बन भी रेडी कर लेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है, बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में, तो आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, गर्मा गर्म तवा बर्गर हमारा रेडी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।